दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक गोयल। मैं फिर से आज आपसे चर्चा कर रहा हूं गुरुओं और गुरु घंटालों के बारे में। दोस्तों लोग बाबाओं की शरण में क्यों जाते हैं, साधु संतों की शरण में क्यों जाते हैं? वो उनसे कुछ सांत्वना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके घावों पर मरहम लगाई जाए। वो उनके पास जाते हैं आशा लेकर, वो उनके पास जाते हैं आकांक्षाएं लेकर। वो चाहते हैं कि उनकी जो जीवन में कठिनाइयां हैं उनके बारे में चर्चा हो, उनका निदान मिले। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? आजकल के तथाकथित गुरु उनको किस प्रकार की आशा दे रहे हैं, मैं सुनवाता हूं आपको। भ्रष्ट हो गए। मनुष्य की संरचना कुछ ऐसी है कि वो पैदा ही भ्रष्ट होता है। मनुष्य सब प्रजातियों में सबसे अभागी प्रजाति है। हम जितना आंतरिक कष्ट झेलते हैं, कोई मुर्गा, कोई मछली, कोई बतख, कोई पक्षी, कोई जानवर कभी नहीं झेलता। वो सब अपेक्षाया शांति से जीते हैं। आप कभी किसी गाय को देखना जिसका पेट भरा हुआ हो, चुपचाप अपना बैठी हुई, उसे कोई लेना देना नहीं दुनिया से, आपको कोई आदमी वैसा नहीं मिलेगा। आप इनको छोड़ो, आप जिनको आप कहते हो कि हिंस पशु हैं, आप तेंदुआ, चीता, भालू, इनको देख लो, शेर को देख लो, उसका भी अगर पेट भरा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, आप उसके आगे से निकल जाइए, हो सकता है वो उठे भी नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। उनको इतनी बेचैनी है ही नहीं जितनी हम भागों को है। हम अभिशप्त हैं, इसलिए पैदा हुए हैं मनुष्य होके, ये शाप है। सुना आपने, ये कह रहे हैं मानव जीवन ही अभिशाप है, मनुष्य सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। दोस्तों मैं इस तरह के तथाकथित बाबाओं को, गुरुओं को मार्गदर्शक नहीं मानता। मुझे दुख होता है इस तरह की बातें सुन के। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से लोग इनके पास आशाओं से लेकर जा रहे हैं, इनके पास होप लेकर जा रहे हैं, इनके पास कुछ ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं जिससे लोगों को जीवन में कष्टों से मुक्ति मिले, समस्याओं से मुक्ति मिले। और इस तरह की बातें, आप कोई कष्ट में है और आप उसके ऊपर दो लात और मारिए तो उससे उसका कष्ट दूर नहीं होगा। आप उसको प्रताड़ित करिए, उससे कष्ट दूर नहीं होगा। आगे सुनवाते हैं ये हमारे विद्वान व्यक्ति क्या कह रहे हैं। और उसी शाप की अभिव्यक्ति होती है जो इस प्रजाति के दो लिंग एक दूसरे के चक्कर काटते रहते हैं, आदमी औरत का, औरत आदमी का, ये शाप का प्रभाव है। आपको ये शाप मिला है कि तुम मनुष्य पैदा होगे और मनुष्यों में ही जो दूसरा जो लिंग है उसके चक 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 चक्कर काटोगे, और चक्कर काट के भी कुछ पाओगे नहीं। हाँ, औलादे हो सकता है पैदा हो जाए, क्या करने को, वो भी चक्कर काटेंगी। समझ में आ रही है बात? तो ये सब चीजें ठीक है, मतलब शादी किए बिना दो एक साथ रह रहे हैं, उनको भी क्या मिल जाएगा, वो भी एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, उनमें विशेष क्या है? सुन रहे हैं आप, ये स्त्री पुरुष के प्रेम को एक हे दृष्टि से देखते हैं, ये परिवार की संरचना को, परिवार की उत्पत्ति को, परिवार के उद्देश्य को, उसके प्रति एक वैमनस्य का भाव रखते हैं। अब लोग मेरे से बार बार टिप्पणी करके कहेंगे कि आपने ये पूरा वीडियो नहीं दिखाया, पूरे वीडियो की आपने कुछ अंश सुनवा दिए और अपने अनुसार आप उसको तोड़ मरोड़ रहे हो। मैंने देखो, इसको कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं है, जो इन महानुभाव ने बात बोली है उसका हिस्सा मैंने आपको सुनवाया है। मैं इसलिए बार बार लोगों से निवेदन करता हूं कि चेतना और अवचेतना, वेदांत और धर्म के चक्कर में मत पड़िए, अपने परिवार की देखभाल कीजिए, अपने पुत्र पुत्रियों की देखभाल कीजिए, अपने माँ बाप की देखभाल कीजिए, अपने समाज की देखभाल कीजिए, आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में, आपके दाएं बाएं जो शोषित लोग हैं उनकी मदद कीजिए। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो कोशिश करें कि आपके हाथ में इतनी शफा हो
कि जो मरीज हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो अपनी बीमारी से मुक्ति पा सके। अगर आप सरकारी कामकाज में लगे हैं तो आपका एक कोशिश होना चाहिए कि जो भी आपके पास आए उसकी जायज मांगों को आप पूरा करें। अगर आप विधायक हैं, अगर आप सांसद हैं, तो जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। ये नहीं कि जो आपके पास समस्या लेकर आया है आप उसी को दोषी माने, उसी को भ्रष्ट माने और उसी को शापित माने। फिर आपसे चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार।